हिंद बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों आपको याद होगा हम लोगों ने शुरू किया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन कैसे कर सकते हैं एल्कीन का ऑक्सीडेशन तो आइए जानते हैं एल्किन्स आर ऑक्सीडाइज बाय डिफरेंट मेथड्स नेमली ऑक्सीडेशन पर हाइड्रोक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इन एल्किन्स वेकर्स प्रोसेस एटसेट्रा बच्चों एल्किन को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो टॉपिक हमको डिस्कस करने हैं उनमें हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन पर हाइड्रोक्सीलेशन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ सी डबल बॉन्ड सी वेकर प्रोसेस पहला लेंगे हम लोग इपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स इपोक्सीडेशन ऑफ एल्कीन रिएक्शन के लिए जो रिएक्शन रिएजेंट यूज होने वाले हैं उनमें मेनली रहेंगे पर एसिड्स वेनेडियल एसिटाइल एसिटोनेट मोलिब्नम एसिटाइल एसिटो एसिटेट ये तीनों रिएजेंट हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे पर एसिड्स रिएक्ट विद एल्की इन कंसर्टेड वे टू टूल कोरस्पोन्डिंग इपोक्साइड्स पर एसिड एल्कीन के साथ सिंगल स्टेप में रिएक्ट करते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन को बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन और उससे बनते हैं कोरस्पॉन्डिंग इपोक्साइड्स रिएक्शन इज स्टीरियो सिलेक्टिव इन नेचर एज इट टेक्स प्लेसिन एडिशन टू दबल बॉन्ड पर एपोक्सीडेशन सिंह के थ्रू करते हैं यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्डेड कार्बन के सेम साइड से आता है और यहां पर ये अपॉक्सीडेशन स्टीरियो सिलेक्टिव इन नेचर होता है यानी कि यहां पर एक आईसोमर मेजर होगा और दूसरा नेग्लेजेबल होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने दो तरह के एल्किन लिए हुए हैं एक हमारा सिस आइसोमर है दूसरा हमारा ट्रांस आइसोमर है मेटा क्लोरो पर बेन्जोईक एसिड को बच्चों एम सी पी बी ए शॉर्ट में बोलते हैं ये जो हम लोगों ने यहाँ पे परसड लिया हुआ है ये इन एल्किन का एपोक्सीडेशन करेगा एपोक्सीडेशन में आप जानते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जहां पर है इन दोनों कार्बन पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा ये एडिशन सिन एडिशन होता है यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो सेम साइड से आते हैं ऑक्सीजन का जो एडिशन होगा वो सेम साइड से होगा और ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव इन नेचर होगा स्टीरियो सेलेक्टिव इन नेचर का मतलब है कि जो आपने एलकीन लिया हुआ है उसी का एपोक्साइड बनेगा जाता है को ऑक्सीरेन भी कहा जाता है तो अगर आप सिस एल्किन का अपोक्सीडेशन कराते हैं पर एसिड के साथ में तो बनने वाला एपोक्साइड या ऑक्सीरेन जो होगा वो सिस होगा ये मेजर होगा मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा और अगर आप ट्रांस एल्किन के साथ जाते हैं तो इपोक्सीडेशन होने के बाद जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ट्रांस इपोक्साइड या फिर ट्रांस ऑक्सीरेन होगा क्लियर है आपको तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है स्टीरियो सेलेक्टिव इन नेचर मैकेनिज्म ऑफ इपोक्सीडेशन बाय पर एसिड बच्चों अब हम लोग यहां पर उसके मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं रिएक्शन इज कंसर्टेड एज बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग टेक प्लेस सेम टाइम बच्चों आपने पहले डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि जो इपोक्सीडेशन होता है पर एसिड से ये कंसर्टेड रिएक्शन होती है कंसर्टेड रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है यहां पे बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों काम एक साथ होते हैं और ऐसे रिएक्शन कहलाती हैं कंसर्टेड क्लियर आइए देखते हैं कैसे ये बच्चों हमारा एमसीपी भी है मेटा क्लोरो आप जानते हैं कि ये पोजिशन जो है बच्चों ये होती है क्लियर है ये वाली पोजिशन हमारी मेटा होगी तो आप देखिए मेटा पोजिशन पे आपका क्लोरो लगा हुआ है तो ये बन गया हमारा मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ये पर एसिड है बच्चों तो यहाँ पे आप ध्यान देखिए इससे देखिए कि हम लोगों ने एक ऑक्सीजन को डिफरेंट कलर की इंक से शो किया हुआ है ये जो ऑक्सीजन होती है इलेक्ट्रॉन एफिसियंट होती है रीजन आपको बताऊंगा क्योंकि यहां पर ये यह जो कार्बन ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोन निगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करती है सेम टाइम जो हमारा ऑक्सीजन है बच्चों ये वाले बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ताकि यहां अपनी डेफिशियंसी को मेनटेन कर सके तो ये वाला जो ऑक्सीजन होगा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट होगा याद रखिएगा दिस ओ एटम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इन नेचर सो एम सी पी बी ए बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल तो आपको कोई अगर कोई पूछता है कि भाई जो आपके एसिड है उसकी नेचर कैसी होगी तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट इन नेचर होगा रीजन आपको मालूम पड़ ही गया है ये वाला ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिसियंट होगा और सिंपली कह सकते हैं कि रिएक्टिव ऑक्सीजन है क्योंकि इसकी नेचर इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट है लेकिन जो हमारा एल्किन जो हमारा सबस्ट्रेट है जहां पर यह रिएक्ट करने वाला है वहां पर जो ये डबल बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन का ये इलेक्ट्रॉन रिच साइट होती है यहां पर आप जानते है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो इजिली अवेलेबल रहता है प्लेन के ऊपर भी और प्लेन के नीचे भी अब यहां पर ये जो सी डबल बॉन्ड सी है एल्किन का ये साइट जो होती है न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होती है न्यूक्लियोफिलिक साइट होती है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में अवेलेबल रहते हैं इलेक्ट्रॉन आर इजिली अवेलेबल तो ये हमारा पैरासिड जो है इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है और एल्किन हमारा बिहेव करेगा न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टेप एक साथ दिखाने की कोशिश की गई है तो पहले स्टेप में आपको देखा था कि यहाँ पे जो ये आपका कीटोनिक ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी सेम टाइम यहाँ पर ये यह देखिए ये जो हमारा ऑक्सीजन था यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ शिफ्ट होंगे ड्यू टू कॉन्जुगेशन और ये यह बॉन्ड यहाँ से क्लीव हो रहा है जब यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा तो जो ऑरेंज कलर इंक है यहां पर इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी ये ऑक्सीजन जो है हमारे इलेक्ट्रॉन डेफिसियंट

ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन स्टेट का मतलब होता है कि जो लेस स्टेबल या अनस्टेबल स्टेट होती है और बच्चों इससे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट क्या होगी यहां पे बॉन्ड टूट भी रहे हैं और बॉन्ड बन भी रहे हैं तो ध्यान से देखिए जहां पे हम लोगों ने ब्रोकन ये ग्रीन लाइन शो की है ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट को दिखा रही है कंसर्टेड स्टेप को शो कर रही है यहां पे बॉन्ड के टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ दिखाए हुए हैं ब्रोकन लाइन से क्लियर है आपको और फाइनली देखिए यहां पे ये वाला ऑक्सीजन जो होता है ये इन दोनों कार्बन के साथ कंबाइन हो जाता है ये कंपाउंड या यापोक्साइड कहलाता है और ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना के बाहर हो जाता है तो देखिए आपने लिया था पर बेंजोइक एसिड उसका इलेक्ट्रोफिलिक ऑक्सीजन जो था वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ कंबाइन हो गया बना के ये ऑक्सीजन बाहर आ गया है और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी बचा है जो साइड प्रोडक्ट के बाहर निकल जाता है क्लियर हुआ आपको अब यहां पे कुछ नोट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये नोट जानना आपके लिए बहुत जरूरी है मोर एलकाइल सब्सटीट्यूटेड एल्किन अंडर द लेस एलकाइल सब्सिट्यूटेड एल्कीन बच्चों आपको ध्यान देना है कि जो आपका सबस्ट्रेट है यानी कि एल्कीन है उसमें डबल बॉन्ड की कंडीशन क्या है डबली बॉन्डेड कार्बन कैसे दिखाई पड़ रहे हैं अगर आपका डबली बॉन्डेड कार्बन पे एलकाइल सब्सटीट्यूशन है तो वहां पे पॉक्सीडेशन फास्टली होगा अगर दोनों पे एलकाइल सब्सटीट्यूशन है यानी कि एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे तो वहां पे देखिए तो भी एल्काइल सब्सिट्यूशन होगा या ज्यादा होगा वो इपोक्सीडेशन को फेवर करेगा रिएक्शन इजीली होगी फास्टली होगी कैसे एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे हम ये हमारा डाई मिथाइल साइक्लोहैक् आपको सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है ये हमारा मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड है हमारा पर एसिड है ये हमारा मेनलीपोक्सीडेशन के लिए यूज किया जाता है अब सवाल ये है कि इस सबस्ट्रेट के अंदर दो जगह डबल बॉन्ड है तो क्या दोनों जगह होगा बच्चों ये क्वेश्चन के अंदर उसने यहाँ पे एक्सेस नहीं लिखा है अगर वो यहाँ पे एक्सिस लिख देता या टू इक्विवेलेंट लिख देता तो रिएक्शन दोनों जगह करनी पड़ती लेकिन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है इसका मतलब है कि वो केवल वन इक्विवेलेंट या वन मोल ले रहा है अब यहां पे आपको एपोक्सीडेशन उस साइट पे कराना है जहां पे मोर रिएक्टिव साइट है तो देखिए यहां पे इन दोनों एल्कीन में दोनों डबल बॉन्ड में किस डबल बॉन्ड के ऊपर डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ज्यादा एलकाइल सब्सिट्यूशन है तो यहां पे भी मिथाइल लगा है यहां पे भी मिथाइल लगा है इन दो इन दोनों कार्बन पे यानी कि इस डबली बॉन्डेड साइट पे इस एल्कीन पर एलकाइल सब्सिट्यूशन है यहां पर एल्काइल सब्सिट्यूशन नहीं है तो ये एल्कीन साइड जो है ये मोर रिएक्टिव है यहां पे ऑक्सीडेशन इज़िली होगा इस पे डिफिकल्टी से होगा तो चूंकि आपके पास वन इक्वी वैलेंट लिया हुआ है एक मोल ही आपके पास पर एसिड का है तो केवल एक ही जगह एपोक्सीडेशन होगा दूसरी जगह नहीं होगा क्या ये क्लियर है आपको तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा अब यहां पे और क्लियर हो जाएगा बच्चों एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है देखिए यहां पे हमने पर एसिड लिया हुआ है ये हमारा सोलवेंट होता है डाइक्लोरोन यहां पर आपको बनाना है एपोक्साइड एपोक्साइड के लिए दो साइड यहां पे अवेलेबल है यहां पे या यहां पे तो आप देखिए कंसेप्ट यहां पे एक्सेस में नहीं लिया है तो केवल एक साइड पे होगा एक साइट पे होगा तो कौन सी साइट कौन सा एल्किन जो है वो मोर रिएक्टिव है तो बच्चों ये लेस रिएक्टिव है यह यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन पे कोई एल्काइल सब्सटीट्यूशन नहीं है यहाँ पे देखिए सब्सिट्यूशन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे भी एल्काइल है ये भी अल्काइल है ये भी एल्काइल है ये भी एल्काइल है तो ये हाईली रिएक्टिव है यहाँ पे ऑक्सीडेशन कुछ ऐसे होगा क्लियर है तो आपको ऐसा बनता हुआ दिखाई पड़ेगा तो हमने जाना कि अगर एल्कीन आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड है उस पर एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो वहां पे इपोक्साइड रिएक्शन इपोक्सीडेशन रिएक्शन इजिली होता है उसका इपोक्साइड जल्दी बनता है फेवर करता है सेकेंड नोट रहेगा प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन इन एल्कीन रिटार्ड द रेट ऑफ इपोक्सीडेशन ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन सो दे नीड स्ट्रॉगर पर एसिड एग्जाम्पल बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर्स एटसेट्रा आपको दूसरा यह भी ध्यान रखना है कि क्या आपकी एल्कीन में कोई कॉन्जुगेशन तो नहीं बन रहा है कि अगर वहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाए कॉन्जुगेशन में तो वो का जो एल्कीन है वो लेस रिएक्टिव हो जाएगा और इपोक्सीडेशन में डिफिकल्टी से रिएक्शन जाएगा इपॉक्सीडेशन मुश्किल से होगा तो ऐसे अगर कहीं पर कॉन्जुगेशन बन रहा है आपकी एल्कीन में तो वहां पे आपको स्ट्रोंगर पर एसिड लेना पड़ेगा जिससे रिएक्शन आपका स्मूथली जा पाए क्लियर नहीं हुआ मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर जरूर करूंगा आप यहां पे देख सकते हैं हमने दो एग्जाम्पल आपको दिखाए हुए हैं तो यहां पे देखिए ये जो आपका एल्कीन है यहां पर डबल बोन्ड ओ ये किटोनी ग्रुप लगा हुआ है और ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है अगर आप यहां पे कोई भी कॉमन पर एसिड लेते हैं तो ये रिएक्शन डिफिकल्टी से जाएगा क्योंकि ये देखिए यहां पे बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा विड्रॉ करेगा और ये कॉन्जुगेशन का पार्ट होने की वजह से यहां से एल्कीन से जो ये डबल के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये इस कंजुगेशन का पार्ट बन जाएंगे और ये इस पर एसिड के लिए लेस अवेलेबल होंगे तो जब यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन लेस अवेलेबल होगा तो ये एल्कीन की जो साइट है ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा और इस पे रिएक्शन नहीं जाएगा ये फेवर नहीं करेगा ये फेवर करेगा तभी रिएक्शन तभी होगा यहां पर जब आप स्ट्रॉन्गर पर एसिड लेंगे इसीलिए हम लोगों ने यहां पे ट्राई फ्लोरो पर एसिटिक एसिड लिया हुआ है जो कि जो कि काफी स्ट्रोंगर इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई फ्लोरो पर एसिड लिया हुआ है जो कि स्ट्रोंगर पर एसिड होता है या फिर दूसरा हम लोग यहाँ पे मेटाक्लोरो पर बेंजोइक एसिड भी ले सकते हैं तो यहां पे हमारा बन गया है कोरस्पॉन्डिंग इपोक्साइड क्लियर हुआ अब ये दूसरा एग्जाम्पल देखिए यहां पे आपको समझने वाली बात यह है कि ये जो आपका यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ये एस्टर है इससे अगला कार्बन जो है ये अल्फा होगा ये बीटा होगा बेटा और ये हो गया हमारा अल्फा बीटा अनसेटेड एस्टर यहाँ पे आपने लिया हुआ है एस टू ओ टू और ये हमारा दूसरा जो रिएजेंट है ये हमारा एम भी ये रहेगा और यहाँ पे जो अपन होना है वो केवल इस वाली साइट पे होगा कुछ इस तरीके से क्या आपको क्लियर हुआ तो आपको दो पॉइंट याद रखने हैं कि जो आपका एल्कीन है वो क्या एल्काइल सब्सटीट्यूटेड है या नहीं और दूसरा आपको देखना है कि जो आपका एल्कीन है क्या उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कॉन्जुगेशन में तो नहीं आ रहा है तो अगर कॉन्जुगेशन होगा तो वो फेवर नहीं करता है अगला एग्जाम्पल है हमारा डाई एलकी नॉल से यहां पर हम लोग दो रिएजेंट यूज करते हैं पर एसिड के बाद ये भी कॉमन रिएजेंट है लेकिन थोड़े महंगे होते हैं कॉमनली यूज नहीं किए जाते हैं एक होता है हमारा वेनेडिल एसिडाइल एसिटोनेट और दूसरा होता है मोलिडम एसिडाइल एसिटो एसिटेट ये दोनों इन दोनों जो हमारा डाई इन है दोनों साइड पे इक्वली रिएक्ट करेंगे और बनने वाला ऑक्साइड ऐसा दिखाई पड़ेगा क्लियर हुआ आपको और बच्चों अब टाइम आ गया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स का जिससे आप जानते हैं कि कितना आपने सीखा कितना आपको आया पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं बच्चों चार एग्जाम्पल हमने लिए हैं यहाँ पे चारों एग्जाम्पल में आपको बताना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा तो ध्यान से देखिए यहां पे ये यह चार एग्जाम्पल कुछ ऐसे होंगे क्लियर हुआ आप कंडीशन देख सकते हैं आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे मेटाक्लोरो रिएक्शन के अंदर ये पर एसिड जो होता है और ये हमारा जो सबस्ट्रेट है आप देख पा रहे हैं सबस्ट्रेट में हमारा डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है तो बस आपको ये बताना है कि पोक्सीडेशन रिएक्शन के बाद बनने वाला एपोक्साइड कैसा होगा आप लोग कीजिए कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट करता हूं और अगर आपको ये नहीं एगा तो इसका आंसर आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा होपफुली ये आपको क्लियर हुआ होगा